वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट कंफर्म बुक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में न्यू अपडेट आ गया है जिससे आप इजीली तत्काल टिकट कंफर्म बुक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इससे पहले तत्काल टिकट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते थे तो IRCTC पेज जो था हमारा लॉग आउट हो जाता था, या फिर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आने की वजह से भी हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते थे। फाइनली IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में न्यू अपडेट आ गया हुआ है, तो लाइव टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो आप लोगों को भी IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करना है और 5 से 10 मिनट पहले आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 10:58 हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं लॉग इन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद सिंपल हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:58 कुछ सेकेंड हो गया हुआ है। अब फाइनली मैंने यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद प्लान माई जो पे क्लिक करना है, इसके बाद फॉर्म स्टेशन और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं पटना टू आनंद विहार सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 19 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद कोटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें तत्काल सेलेक्ट करना है। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से जब भी हम तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को तत्काल कोटा ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट करते हैं तो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे आपको किस टाइम क्लिक करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 11:00 4 से 5 सेकेंड हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 से 10 सेकेंड वेट कर लेना। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 से 7 सेकेंड बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, सिंपल आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे एक बार फिर से एक बार क्लिक करना है। स्लीपर क्लास पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रेश पेज हो रहा है। इसके बाद मैं 3rd AC पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद हमें फिर से स्लीपर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पेज जो है आपको ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। यदि आप बार बार यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज जो है IRCTC लॉग आउट कर देगा, क्योंकि इससे पहले जो था हम लोग बार बार ट्राई क्लिक करते थे यहाँ पे स्लीपर क्लास पे, इसकी वजह से हमारा पेज जो था लॉग आउट हो जाता था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 11:01 कुछ सेकेंड में ऑटोमेटिक आपको सेकेंड पेज पर चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अनेबल टू प्रोसेस करके कुछ एरर आ रहा है देखने को, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते 11:01 कुछ सेकेंड हो चुका है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, एड न्यू पे आएंगे, सॉरी हम बैक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल सेव करके रख चुका हूँ। सॉरी मैंने सेव नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोगों को मास्टर लिस्ट में ना पैसेंजर डिटेल पहले से आपको सेव करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करने के बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर, इसके बाद नीचे करेंगे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको बुक टिकट ओनली कंफर्म बट अलाउड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, तो आपको फटाफट एड्रेस फिल करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपल आप लोगों को पेमेंट जैसे करना है, पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। पेमेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेथड, मैं UPI सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:02 हो चुका है, मैंने पेमेंट पेज पर आ चुका हूँ और 151 सीट अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं UPI हमें सेलेक्ट करना है, तो UPI मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको UPI नंबर डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर UPI पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ UPI नंबर डालना है और यहाँ पे आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको UPI पास सबसे पहले खोल के रखना है UPI, और इसके बाद वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पिन डालना है। जैसे ही पिन डालेंगे तो आपका ये टिकट कन्फर्म बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।